आज एक अहम दिन है क्योंकि आज तमाम जितनी भी जम्मू कश्मीर की राजनीतिक पार्टी है वो माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से मीटिंग करने गई है और दिल्ली में यह मीटिंग चल रही है और एकजुट जम्मू का कहना है कि ये आज का दिन जो है काला दिन है, ये काला दिन जम्मू के लिए और नेशन के लिए। नाराज दिख रहे हैं एकजुट जम्मू के चेयरमैन प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा, इनसे बातचीत करते हैं। जम्मू एंड कश्मीर द फेस ऑफ डेमोक्रेसी इज अ मुस्लिम फ्रॉम कश्मीर, ओनली देन इंडिया सेक्युलरिज्म एंड डेमोक्रेसी कैन बी प्रेजेंट। व्हिच हैज बीन ब्लेमिंग नेहरू फॉर फ्लिप फ्लॉप देयर, इट इज द सेम गवर्नमेंट इज मोर नेहरूवियन देन इवन नेहरू एज फार एज इट्स अप्रोच इन J&K इज कंसर्न्ड। व्हाई डू यू थिंक द होल सिनेरियो इज गोइंग टू, आई थिंक इनका दिमाग खराब हो गया है। They have been taken over from within. The state of India has been captured from within. It is working against the nation of India. It is in fact hostile to the civilization of India. आपको किसी का भी pressure हो, you do not compromise your national and civilizational interests in a place which is a war zone, which is a terror zone. And I think this is the biggest blunder that this government has committed. I think people of Jammu will not spare them. भाजपा के ये भी कह रहे हैं कि वो पार्टी को बुलाया गया जिनके MPs बने हैं, MLA बने हैं, जब DDC। ये exclusive argument है। Democracy में stakeholders को बुलाया जाता है, इसका ये बनाया, उसका मामा वो है, उसका चाचा वो है, ऐसे नहीं बुलाया जाता। डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन को जगह दी जाती है जब आपने डेमोक्रेसी। तो अभी क्या लगता है कि जो अभी महाल पार्टी मीटिंग आज चल रही है, तमाम गुपकार डिक्लेरेशन के नेता भी मौजूद हैं, तो क्या लगता है कुछ जम्मू गुपकार एजेंडा सेंटर में है? जो लीडर्स ऑफ दिस डिस्कशन है वो गुपकारीज हैं। गुपकारीज वही हैं जो एंटी नेशनल्स हैं, जो केंद्र सरकार की भाषा में बाहरी ताकतों के साथ मिलकर गैंग बनके देश विरोधी काम कर रहे हैं। अब भारत सरकार भी इस गैंग का हिस्सा प्रोबेबली बन चुकी है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक। प्रोफेसर भीम सिंह गए हैं इस पार्टी में, लगता है कि जम्मू की बात, वो गुपकार गैंग के ही आदमी हैं। आप उनकी स्टेटमेंट सुनिए, उनका कंडक्ट देखिए, उनकी पोजीशनिंग देखिए, ही इज अ पार्ट ऑफ गुपकार गैंग। अंकुर जी, निर्मल सिंह जी ने कल कहा है कि हर किसी नेता को वहाँ इस ऐसी बैठक में नहीं बुलाया जाता। देखिए, एक्सक्लूसिव आर्ग्यूमेंट है, जब आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को रिस्टोर कर रहे हैं जम्मू कश्मीर में तो आप स्टेक होल्डर्स को बुलाएंगे। एकजुट जम्मू हो, POJ के रेफ्यूजीज हों, हिंदूज ऑफ कश्मीर हों, डिफरेंट शेड्स ऑफ ओपिनियन को, जिसमें वर्किंग ग्रुप्स भी बने थे प्रधानमंत्री के काल में कांग्रेस के समय पे, तो डिफरेंट शेड्स को बुलाया जाता है, दैट इज द जनरल प्रैक्टिस। अब मुझे बताइए कि जम्मू संभाग की आवाज़ रखने वाला कौन वहाँ पे है? भाजपा के जो तीन लोग गए हैं वहाँ पे बात करेंगे, वो तो वही हैं जिनके खिलाफ जम्मू के लोगों के मन में रोष है, जो उनसे दुखी हैं, जो उनकी गवर्नेंस से दुखी हैं, जो उनके कॉम्प्रोमाइजेस से दुखी हैं, जो उनके BJP PDP रूल कार्यकाल से दुखी हैं। अध्यक्ष साहब ये कह रहे हैं रविंद्र राणा साहब की मैं जम्मू की बात रखूंगा, जम्मू के तमाम मुद्दों को उजागर। देखिए, उनको यू कांट टेक हिम सीरियसली उन्होंने बहुत बार ये कहा, लेकिन अल्टीमेटली व्हाट हैज हैपेंड, क्या हुआ है? कैन यू टेक हिम सीरियसली? यू कांट टेक हिम। ऑफ कोर्स दिस इज अ फेल्ड एक्सरसाइज, बिकॉज दिस इज एन एक्सक्लूसिव एक्सरसाइज, इट डजंट इंक्लूड एवरीबॉडी फ्रॉम J&K, एंड हूसोएवर हैज बीन इंक्लूडेड इज नॉट प्रो इंडिया, दे आर सेपरेटिस्ट, दे आर पाकिस्तानी फ्लैंक्स। नेशन ऑफ इंडिया विल नॉट स्पेयर दिस गवर्नमेंट, will not forgive this government for this. आखिरी सवाल, monumental blunder. अंकुर जी, आखिरी सवाल, जम्मू की बात करें, जम्मू की रीजनल पार्टी जम्मू कश्मीर नेशनल पैस आपको बुलाया है, हर्षदेव साहब जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ऑब्वियसली हर्षदेव साहब को भी पता है जब उस समय उन्होंने पार्टी से निकाला था कि ये व्यक्ति गुपकार गैंग के व्यक्ति है, तो उन्हें आप जम्मू के खाते मत जोड़िए। हर्षदेव सिंह जी बिल्कुल सही प्रोटेस्ट कर रहे हैं, जो उन्होंने उनको पार्टी से निकाला था वो भी सही किया था, अब दूसरे तरीके से निकालने का काम कर रहे हैं। वो जानते हैं कि प्रोफेसर साहब गुपकार गैंग की विचारधारा को सब्सक्राइब करने वाले व्यक्ति हैं, इसीलिए उन्हें पार्टी से भी निकाला गया था। गुपकार गैंग की एंटी जम्मू मीटिंग जब यहाँ पे प्लान हुई थी, वहाँ पे जाके उनके मत का समर्थन दिया था, सेपरेट जम्मू स्टेट के साथ वो नहीं खड़े होते हैं, वो गुपकार गैंग के खाते में ही डालिए जहाँ तक आइडियोलॉजी का सवाल है। जुड़ता हुआ, जैसे आपने कहा बीजेपी से तीन नेता गए हैं यहाँ से, यही नेता रविंद्र राणा से लेके निर्मल सिंह तक यही कहते थे कि ये कश्मीरी नेता सब राष्ट्रद्रोही हैं, देशद्रोही हैं, पाकिस्तानी हैं। आपको लगता है कि आज ये PM के सामने उन नेताओं का विरोध करेंगे? वैसे नहीं, विरोध काहे का करेंगे जब प्रधानमंत्री ने उन्हीं को पटल दिया। मतलब ये वहाँ पे जम्मू के सौदे पे मोहर लगाने के लिए गए कि दिल्ली ने कश्मीर के साथ सौदा किया, हम मोहर लगाते हैं। भैया, जो जम्मू के नाम पे गए हैं, जम्मू के लोग उन्हीं से तो दुखी हैं, तो जो दुखी लोगों की बात वो कैसे रख सकता है जो एक्सप्लॉइटर है?
सवाल ही है। कश्मीरी पंडित भी नाराज है, किसी हमारी तरफ से भी कोई मतलब पीओके के रिफ्यूजी नाराज है, जम्मू के लोग नाराज है, तमाम 10 के 10 जिलों में गुप्कार डिक्लेरेशन की मीटिंग में 370 की भी बात हुई, उठ दिया गया है। गुप्कार डिक्लेरेशन की मीटिंग में 370 की भी बात हुई। 370 को रेजरेक्ट करने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर को पुनः इस्लामिक स्टेट बनाना, नॉन सेक्युलर एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट बनाना। 370 यह सुनिश्चित करता था, 370 यह सुनिश्चित करता था कि चूंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है इसलिए भारत का संविधान यहाँ पे लागू नहीं होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर एक मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है इसलिए इसका अलग झंडा और अलग संविधान होगा, स्टेट विद इन स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ मुस्लिम सब नेशनलिज्म, पाकिस्तान का सेम आधार, एक पाकिस्तान का निर्माण। तो वो पाकिस्तान का ही निर्माण जम्मू कश्मीर में पुनः करना चाहते हैं, लेकिन वी हैव टेकन दिस वाउ दैट दे हैव टू बी डिफीटेड, कश्मीर हैज टू बी डिवाइडेड इनटू टू यूनियन टेरिटरीज और जम्मू को एक सेपरेट स्टेट सरकार को बनाना ही होगा। राष्ट्र हित में ऐसा करने के अलावा केंद्र सरकार के पास कोई और ऑप्शन नहीं है। तो एकजुट जम्मू के प्रेसिडेंट अंकुर शर्मा आज जो है काला दिवस मनाते नजर आ रहे हैं, और ये भी साफ भीम सिंह है वो उनकी जो विचारधारा है वो गुप्कार अलायंस की तरह है, गुप्कार की तरह वो सोचते हैं जो अलायंस घाटी में बनी गई। और साथ ही साथ आपको ये भी बता दें, कल हमने आपको ये भी बात बताई कि अगर घाटी से जो गुप्कार डिक्लेरेशन की मीटिंग हुई वहां पर भी कहा गया कि 370 के बारे में भी बात होगी, और अगर इससे बाद फिर हमने बाबा में 370 वापस आती तो मैं अपनी गर्दन कटवा दूंगा। आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, क्योंकि आज इतिहास का वो दिन है जब तमाम जो घाटी की पार्टियों की बात करें चाहे जम्मू की बात करें तो तमाम राजनीतिक दलों की बैठक जो है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ है। क्या होगा इस मीटिंग में वो देखना बाकी है, जो भी जानकारी हम तक पहुंचेगी वो जानकारी हम आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए जम्मू परिवर्तन कानून, अभिषेक कुमार के साथ, जय हिंद।